इस वक्त मौजूद है पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर। कुछ बोलने से पहले इस तस्वीरों को देखते हैं और आपके साथ साझा करते हैं कि जो सरकार है वो आम जनता के साथ सो गई, क्योंकि बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है 15 मई तक के लिए। राजधानी पटना समेत तो पूरे बिहार के अन्य जिलों में भी लॉकडाउन है, लेकिन साफ तौर पर देख सकते हैं कि कोई लोग नजर नहीं आ रहे और लोग के साथ प्रशासन भी नजर नहीं आ रहा है। और कारण ये है क्योंकि जो ये हाई वोल्टेज ड्रामा बीती रात इसी जगह पे हुआ था, यहाँ पे एक युवती द्वारा पुलिस से बदसलूकी की गई थी और लगा ये था कि यहाँ पे अब पुलिस का ये तेजी है और चेकिंग होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि बैरिकेटिंग तो दूर की बात है, बैरिकेटिंग भी दूर रखा हुआ है, लोग घूम रहे हैं और सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन कुछ आदमी आ जा रहे हैं जिन्हें रोकने और बोलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी भी है और ऐसे में जो शराब माफिया है वो अगर शराब की खेप को इधर से उधर करना चाहे तो बाखूबी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार को सोने से कोई फुर्सत नहीं है। जिला प्रशासन साफ तौर पर कहती है कि हम लॉकडाउन को पूर्ण तरीके से बिहार में लागू कराएंगे। जिला अधिकारी और जो पूरा जो पुलिस खेमा है वो सुबह होते ही यहाँ पे लग जाता है और लोगों को रोकने लगता है, क्योंकि सुबह 7 से 11 जो अमूमन भीड़ होती है, क्योंकि यही समय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि इस समय लोग बाहर निकलेंगे और सामान खरीदेंगे। अमूमन जो 7 से 11 का समय होता है वो अनलॉक होता है, लोग सामान खरीदते पहले। यहाँ देखें कि लोग कैसे घूम रहे हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो साफ तौर पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसे में सरकार लॉकडाउन क्या लगाई है वो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि कहीं अनलॉक स्टार्ट हो गया है। और जो 7 से 11 का समय सरकार ने निर्धारित किया है और इस समय अमूमन सारे लोग बाहर होते हैं, तो कोरोना की तो प्रोटोकॉल की धज्जियां ऐसे ही उड़ेंगी। हालांकि सरकार को 2 समय निर्धारित करना चाहिए था, सुबह और शाम, पर सरकार ने सबसे बड़ी विफलता यही है कि वह सुबह में 7 से 11 का समय दे रहे हैं। और जो कोरोना का संक्रमण है वो आज काफ़ी ज़्यादा फैला है। आपको बता दें कि आज का अपडेट जो है वो करीब 15,000 से ज़्यादा नए केस आए हैं। वहीं राजधानी पटना में पहली बार 3,000 से ज़्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं और करीब 90 लोगों से ज़्यादा की मौतें भी हो चुकी हैं बिहार में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि बिहार में लॉकडाउन लगा है या अनलॉक है, क्योंकि सरकार कहीं से भी नहीं है और पुलिस प्रशासन के एक लोग भी नहीं है, चाहे पुलिस गश्ती कर रही हो। आप दूर दूर तक देख सकते हो चौराहे के हर एक कोना तक कि कहीं कोई नहीं आ रहा, किसी की आवाजाही नहीं है और सरकार साफ तौर पर यहाँ विफल नजर आ रही है। ऐसे में कोरोना का जो गाइडलाइन है वो टूटेगा ज़रूर और शराब माफिया अगर चाहे तो अपने इस समय को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और सरकार सोती रह जाएगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना।